हम तो कह रहे हैं कि 200 भी आ जाए तो गलीमत है। इस बार तो सर परिवर्तन निश्चित है। नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी राज है समझिए कि सबसे ज्यादा, बिना पैसा के कहूँ काम नहीं होता है। इस बार तो चुनाव जीतेंगे। NDA और महागठबंधन में है। मोदी जी को क्यों वोट दें, मेरा बिजनेस चौपट कर दिए। युवा लोगों बेरोजगार से हम लोग तरस रहे हैं, लालटेन हैं। मौजूदा हैं या देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को। RJD के देखिए, हम अभी इस वक्त जहानाबाद में हैं और जहानाबाद स्टेशन के बगल में जो चाय का दुकान है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर रोजाना लोग चाय पीने के लिए आते हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, सभी उसके एक बार वो दिखाएं तस्वीर को, तमाम लोग हैं जो चाय पीने के लिए आए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव भी है, 1 तारीख को मतदान होना है, मतदान के लिए लोग बिल्कुल तैयार होंगे और मतदान किधर होगा ये जानना बेहद जरूरी। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? सुभाष चंद्र मिश्रा हुआ। सुभाष चंद्र मिश्रा जी, क्या माहौल है इस बार, जो मौजूदा सांसद है उन्हीं को बनाना है या फिर कोई चेंज करना है? मौजूदा हैं या देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हीं को बनाना है, उनके लिए आप वोट करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम हो? प्रवीण नाम हो। प्रवीण जी जी, क्या माहौल है इस बार का? NDA सर। NDA जी, NDA माहौल है जी। अच्छा। मेरा माह जी। अच्छा। जी आप यहीं से हैं? किधर वोट पड़ेगा इस बार? लालटेन में। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, जानना बेहद जरूरी है। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश रंजन। ओम प्रकाश रंजन जी, किधर मत पड़ेगा? RJD के। RJD के पड़ेगा जी। क्या मोदी जी को नहीं पड़ेगा? नहीं। अरुण जी हमको नहीं पड़ेगा? नहीं। RJD को पड़ेगा। अच्छी बात है। आप बताइए किधर मत पड़ रहा है? लालटेन छाप। हाँ। मोदी जी को नहीं? मोदी जी को क्यों वोट दें, मेरा बिजनेस चौपट कर दिए। क्या बिजनेस क्यों चौपट हो गया आपका? केबल TV चलाते हैं। केबल TV, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड बंद हो गया है, 6 महीना में और बंद हो जाएगा सारा। मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी को वोट है जो इस बार मिलेगा नहीं, लालटेन को मिलेगा। आपका ये क्या नाम हुआ ये बताइए? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, क्या मिजाज इस बार, किधर वोट जा रहा है? ऐसे तो मिजाज है फाइटिंग है, लेकिन NDA और महागठबंधन में है, लेकिन जो युवा है जो भी है मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है और उन्हीं के चेहरे पर हम वोट देंगे। मोदी जी के चेहरे पर यहाँ लग रहा है जो मौजूदा सांसद है, यहाँ फाइटिंग नहीं, उनसे नाराजगी है जनता को, उनसे नाराजगी है, लेकिन बहुत क्षेत्र में नहीं सबसे मिले हैं, नहीं जुले हैं, इसे नाराजगी है, लेकिन फिर भी जो ऊपर देख के भी कुछ सीट निकलेगा या कुछ चेंज हो? अब सीट निकलेगा, फाइटिंग है, लेकिन अब तो जो हो। आपका क्या नाम? दीपक कुमार। क्या इधर का जहानाबाद का मिजाज क्या है इस बार, किधर वोट पड़ेगा? परिवर्तन है आपके? परिवर्तन है, किसको दे रहे हैं? परिवर्तन में किधर बहुत ऑप्शन है, लालटेन छाप है, चाहे अरुण कुमार जी है, किधर? लालटेन है। परिवर्तन कर रहे हैं काहे कि हम लोग युवा लोग बेरोजगार से हम लोग तरस रहे हैं। ठीक है, महंगाई उतनी तरस रहे हैं। भाजपा के राज में, नीतीश कुमार के राज में गुंडागर्दी राज है समझिए कि सबसे ज़्यादा, बिना पैसा के कहूँ काम नहीं होता है, इससे गुंडागर्दी राज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग से पैसा मांगा जाता है कोई भी काम में, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे, चोरी करेंगे या डकैती करेंगे, तो इससे गुंडे राज ना हुआ? आप कहूँ भी जाके देख लीजिए, बिना पैसा के काम हो जाएगा ना जेना से। क्या नाम आपका? दीपक कुमार। दीपक जी का मत है जो परिवर्तन होगा? परिवर्तन एकदम 100% होगा। आप बताइए अपना मत, क्या आपका विचार है, किधर वोट पड़ेगा इस बार? इस बार तो सर परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित है, एकदम निश्चित है। परिवर्तन में किसे चुना? लालटेन में जी। काहे चंद्रेश्वर जी 5 आ रहे हैं, क्या स्थिति हम लोग तने है, उनके पास 4 से 5 तुरी गए थे काम करवाने के लिए, खाली पैड पर वहाँ काम लिखाता था, बस वही खाली लिखा था, फिर उसके बाद अब कोई उपाय नहीं होता था, बस वही उतना काम है। अब ऐसे रोजगारों में मुद्दा है सर, अभी तक ग्रुप डी वाला बाहर निकला, 5 साल एग्जाम लेला, सब चीज़ हो गया, अभी तक कोई उसका कोई खोज खबर नहीं, कब बहाली आएगा नहीं आएगा उसका। एक हाल फिलहाल 5,000 वैकेंसी निकला है, 80,000-70,000 सीट खाली है, 5,000 वैकेंसी निकला है, 28 को राज है, 5,000 में सर क्या कन्फर्म है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ सर। क्या? नीतीश कुमार नाम हुआ। नीतीश कुमार जी, किधर माहौल है इस बार? इस बार तो परिवर्तन काल है सर, बिल्कुल। किधर जा रहा है परिवर्तन में? जा रहा है महागठबंधन की ओर, इंडिया का। और जो लोग हैं, अरुण जी हैं, इन लोगों को नहीं दे रहे हैं? देखिए अरुण जी हैं सर, है ना, बट उनका कार्यकाल हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से नहीं देखे हैं, है ना, और इस बार परिवर्तन होना चाहिए। 5 किलो नाश से कुछ नहीं होना होगा, और हम लोग का भाई ऐसा चीज़ दे सरकार ताकि हम डेली 1 मन अनाज खरीद सकें, है ना, बस यही है। क्या आपका मत किधर जा रहा है, क्या हो रहा है? मत तो लालटेन में जा रहा है।
क्या रीजन है जो आप लोग बदलाव कर रहे हैं? लालटेन का अथी जो 10 बरस से मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, युवाओं को जो वादा किए वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए बदलाव करना है। बदलाव करना जरूरी है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, क्या इस बार माहौल आपका? लालटेन छाप, लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। हाँ, क्या आप क्या मुद्दा सोचते हैं जो लगा है? मुद्दा परिवर्तन होना चाहिए, आप लालटेन के पीछे जा रहे हैं, कुछ आपको लगा होगा, क्या सोचे आप? रोजगार, 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 रोजगार जो है युवाओं को चाहिए, बस मुख्य मुद्दा रोजगार है। खाली अथी मंदिर बनाने से रोजगार नहीं आता है, रोजगार चाहिए यहाँ, मेन मुद्दा रोजगार है। चलिए, और भी लोग हैं, जानेंगे, आप बताइए क्या क्या आपका जो है विचार, ये बताइए आम नागरिक ग्रुप में जहानाबाद को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, जहानाबाद में तो है ही, पूरे बिहार और देश में परिवर्तन के लिए लोग ललायत हैं। जहानाबाद में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार, समर्थित नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव इस बार तो चुनाव जीतेंगे, और इनका कंटेस्ट जो है वो अरुण कुमार पूर्व सांसद के साथ है। लेकिन सवाल जो है जहानाबाद की नहीं है, सवाल देश की है और राज्य की है कि जिनको देश के लोगों ने बेहतरी के लिए जो है कि चुना था, उन्होंने आज देश की सारी संपत्ति को धीरे धीरे बेच रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ करके जो प्राइवेट संपत्ति था उसको सरकारीकरण किया गया। मोदी जी जब से आए हैं तो सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। आप रेल, सेल, भेल सारे चीज़ जो है जान ही रहे। मुख्य रूप से किस मुद्दा को पकड़ते हैं जो परिवर्तन होना चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि पूरे देश में जो है कि त्राही माम है। नोटबंदी के बाद ये जो है कि सारे हमारे पूर्वज जो है कि इसीलिए आज़ादी दिलाए थे ना, कि हमारा जो है कि सेक्टर में, कार्यपालिका में, विधायिका में मेरे लोग होंगे। तो ये कंपनी राज आ गया, ये कंपनी को दे रहे हैं। देखिए, अटल जी ने जो है कि पेंशन बंद किया था, इन्होंने तो नौकरी ही बंद कर दी। इन्होंने सेना की नौकरी जो इतना जिनके जो है कि सुरक्षा में, उन्हीं के जो है सुरक्षा के कारण हम लोग अमन चैन से जो है सोते हैं, आज उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया गया। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया सेना की नौकरी। ये दुर्भाग्य की बात है। जो MP MLA बनेंगे वो 5 साल तक जो है कि रहेंगे। 10 साल इन्होंने प्रधानमंत्री रहा, 5 साल के और टाइम मांग रहे हैं। लेकिन एक युवा वो जो है कि 22 साल और 24 साल में रिटायर होकर के घर बैठ जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो सवाल, इन्हीं सब सवालों को लेकर जनता परिवर्तन चाह रही है। कुछ जो है कारपोरेट मीडिया के माध्यम से 400 पार, हम तो कह रहे हैं कि 200 भी आ जाए तो गलीमत है। चलिए, 200 भी आ जाए तो गरिमत है। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। अपना नाम बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा रमेश यादव। रमेश यादव जी। चलिए ठीक है, आप मनोज जी, मनोज जी, क्या माहौल इस बार जहानाबाद में? अरुण जी और सुरेंद्र यादव ने कौन, किसके निकलने की संभावना है? आप किसको देख रहे हैं, कौन निकलेगा? भारी तो सुरेंद्र यादव ही है। टक्कर इन दोनों में? हाँ, इन्हीं दोनों में। मतलब जो मौजूदा है उनसे आप लोग नाराज हैं? मौजूदा को कोई चिन्हवे नहीं करता है, कहीं गए ही नहीं, तो उनसे तो नाराज होना स्वाभाविक है। आप बताइए, क्या नाम आपका? गोलू कुमार। गोलू, गोलू जी, क्या माहौल है, किधर मत जाएगा? हम लोग तो वोट देंगे सुरेंद्र यादव को। रोजगार के लिए? रोजगार चाहिए हम लोग को। आपका क्या नाम हुआ? सुरजीत कुमार। क्या माहौल है इस बार जहानाबाद का? सुरेंद्र यादव का। सुरेंद्र यादव, चलिए आप बताइए, आपका क्या नाम? राहुल कुमार। क्या माहौल है? सुरेंद्र यादव मय होल है, RJD मय होल है। क्या है मय हो के रीजन की है? रोजगार, 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 जो कि युवाओं, कांग्रेस की सरकार में, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय प्रत्येक साल ग्रुप डी का बहाली लाखों में आता था। फिर जो SSC GD होता था वो हर वक्त, मतलब हर साल 70 से 75 हज़ार होती थी। लेकिन आज मोदी की सरकार में हर युवाओं जो है वो रूह कांपती है, हर युवाओं का है जो बेरोजगार है, मैं ऐसा बेरोजगार हूँ कि जो रूह कांपता है, मैंने मेरिट में छटा था जो कि आज तक बहाली नहीं आने के कारण बेरोजगार हूँ। जहाँ मुद्दा जो है रोजगार, रोजगार है। राहुल कुमार, देखिए तो ये राहुल कुमार के विचार थे। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना विचार रखा, तो यहाँ का माहौल क्या है आप वीडियो देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय जो है इस वीडियो के माध्यम से आप उनकी राय को सुन पाएंगे, उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं जहानाबाद को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर, कमेंट अपना राय जरूर रखिए। सोनू के साथ अंशु झा, IBTV जहानाबाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।